ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां पूरे देश में शिवरात्रि पर्व शिव पूजा आराधना के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया, वही हिमाचल प्रदेश के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिले के देवडांग प्राकृतिक शिव गुफा में शिवरात्रि पर्व पर धर्मी अधर्मी की पहचान होती है। इसलिए शिवरात्रि के दिन देश के विभिन्न हिस्सों से देवडांग पहुँचने वालों की लंबी कतारें लगी रहती है। जहां पूरे देश में शिवरात्रि पर्व शिव पूजा आराधना के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिले के देवढांग प्राकृतिक शिव गुफा में दिन धर्मी अधर्मी की पहचान होती है। इसलिए शिवरात्रि के दिन देश के विभिन्न हिस्सों से देवढांग पहुंचने वालों की लंबी कतारें लगी रहती है। वैसे देवढांग शिव गुफा से ही प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव की असली यात्रा शुरू मानी जाती है। बताया जाता है कि शिव भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा में छिपे थे और उसके बाद इस गुफा के सुरंग मार्ग से होते हुए श्रीखंड की ऊंची बर्फीली चोटी पर पहुंचे थे। देवढांग शिव गुफा प्राकृतिक तौर से मिट्टी पत्थरों से बनी है। गुफा प्रवेश और निकासी के लिए मिट्टी की अलग छिद्र बने हैं। गुफा के भीतर शिव की मिट्टी पत्थर से प्राकृतिक मूर्ति भी बनी है। गुफा में ऊपर से प्रवेश के लिए और नीचे दूसरे छोर से बाहर निकलने के लिए मिट्टी के छेद बने हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिव के दर्शन के लिए इस गुफा में धर्मी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता है और पापी अथवा अधर्मी को प्रवेश में दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, इस दिन यहां दर्शन करने वालों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। शिवरात्रि के दिन देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां पहुंचते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो मन्नतें मांगते हैं। देवढांग मंदिर कमेटी सदस्य भास्कर आनंद ने बताया कि हर साल शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। यहां पर प्राकृतिक तौर से मिट्टी की बनी गुफा है। यहां पर श्रद्धालु की पहचान होती है। जो अधर्मी है वे आसानी से इस गुफा में प्रवेश कर लेता है, लेकिन अधर्मी को प्रवेश में दिक्कत आती है। इसके अलावा यहां शिवरात्रि के दिन आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मैं भास्कर शर्मा, बायल गांव निवासी, यहाँ देवढांग में शिवरात्रि के दिन जो है बहुत सारे लोग आते हैं। ये प्राकृतिक गुफा बनी हुई है जिसका प्रवेश द्वार मेरे सामने जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी का बना है, इसमें पापी और धर्मी आदमी की पहचान होती है, जिस कारण जो है हर श्रद्धालु की जो है यहाँ मान्यता भी पूरी होती है। और हर मंदिर कमेटी सचिव टेक सिंह भंडारी ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन देवढांग की शिवरात्रि अपने आप में अलग है। यहां प्राकृतिक रूप से मिट्टी की बनी गुफा में शिव के दर्शन होते हैं। उन्होंने बताया कि जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं वे इस गुफा में आसानी से प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन जो पाप आत्माएं होती हैं उन्हें अंदर जाने व बाहर आने में दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि वे प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन यहाँ आने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। मेरा नाम टेक सिंह भंडारी है और ये हमारे प्रधान जी श्री चंद्र शर्मा जी। आज शिवरात्रि के विशेष पर्व पर यहाँ पर जो बहुत हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ पर जो ये गुफा है ये प्राकृतिक है, मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ पर जो है धर्मी और अधर्मी की पहचान होती है। यहाँ पर जो पीछे से जो प्रवेश द्वार है उसमें जो पाप आत्मा होते हैं उनको प्रवेश बड़ी मुश्किल से मिलता है और धर्मात्मा जो आसानी से प्रवेश कर पाते हैं और बाहर को भी उनकी निकासी जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। पुण्य आत्मा जो है आसानी से प्रवेश और बाहर का निकलना इजी हो जाता है जी। उसकी मनोकामना भी पूरी होती है, यहाँ आने वाले सभी भक्तों की जो मनोकामना पूर्ण होती है, तभी जो भक्त जन इतनी संख्या में यहाँ हर साल आती रहती है। किन्नौर कल्पा की लता ठाकुर ने बताया कि उन्होंने काफी पहले से ही देवढांग शिव गुफा की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। आज वे यहां दर्शन के लिए पहुंची हैं और इस गुफा में आसानी से प्रवेश कर गई और बाहर भी आसानी से निकली हैं। वे अपने को सौभाग्यशाली मानती हैं। उन्होंने बताया कि इस गुफा में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आसानी से प्रवेश पाते हैं ऐसे बताया जाता है, और जो अधर्मी होते हैं उनको प्रवेश में दिक्कत आती है। ये एक पवित्र स्थान माना जाता है और मनोकामनाएं भी श्रद्धालुओं की शिवरात्रि के दिन पूर्ण होती हैं। मेरा नाम लता ठाकुर है, मैं किन्नौर की कल्पा गांव के रहने वाली हूँ। मैंने कई सालों से इस गुफा के बारे में सुना था और मुझे खुशी हुई कि आज मैं इस गुफा में आसानी से प्रवेश कर पाई और आसानी से बाहर निकली। लेकिन इस गुफा की विशेषता यह है कि
पापी आदमी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो धार्मिक और सच्चे मन वाले हैं वही प्रवेश कर पाते और वही बाहर निकलते। और ये गुफा पत्थर और मिट्टी से बने हुई है, इसकी विशेषता बहुत ही